अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 7 T20 मैचेस के लिए, जो कि पाकिस्तान में खेले जाएंगे। दोस्तों, स्क्वाड देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप और इंग्लैंड का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन इस वीडियो में आपको इंग्लैंड का स्क्वाड दिखाएंगे पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड में बाबर आजम कैप्टन, शादाब खान वाइस कैप्टन, आमिर जमाल, अबरार अहमद, आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहनवाज धानी, शान मकसूद और उस्मान कादिर को शामिल किया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के स्क्वाड में जो दो नए खिलाड़ी आए हैं, उनमें आमिर जमाल और अबरार अहमद को शामिल किया गया है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ T20 मैचेस के लिए, और शान मकसूद की भी वापसी हुई है। दोस्तों, पाकिस्तान के स्क्वाड में जो के ज़्यादातर चांसेस है कि शर्जील खान, इमाद वसीम, सरफराज अहमद और शुएब मलिक स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लेकिन ना वो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा रहे और ना ही उनको इंग्लैंड में मौका दिया गया है। दोस्तों, ये था इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का स्क्वाड, जो कि आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन कौन से खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।